नमस्कार इंडिया वॉइस पर आप देख रहे हैं आज का अखबार और मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर तो सीधा रुख कर लेते हैं और देखते हैं कि आज के अखबार क्या बड़ी सुर्खियां बता रहे हैं और आपको दस प्रमुख बड़ी खबरें बताते हैं तो शुरुआत करते हैं सबसे पहली खबर हमारी दैनिक जागरण से है जिसको प्रमुखता दी गई है और फ्रंट पेज की बड़ी हेडलाइन है ये जहां यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी तो यह बड़ी हेडलाइन कल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है शाहजहांपुर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेस वे का शिलान्यास किया खुद आधारशिला रखी और यह बड़ी सौगात यूपी को दी है और उसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की तारीफ की कि किस तेजी के साथ विकास हो रहा है उत्तर प्रदेश में और अच्छा काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सराहना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कही कि यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी तो इस लाइन को कोट किया है और फ्रंट पेज पर पे प्रमुखता दी है दैनिक जागरण ने और ये बड़ी खबर जहां कल शाहजहांपुर में ये बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों दी गई तो ये थी पहली खबर हमारी रुक करते हैं दूसरी खबर जहां दूसरी खबर है बेरोजगारी व महंगाई पर बात नहीं करते नरेंद्र मोदी तो ये राहुल गांधी का बयान है जिसको कोट किया गया है और इस खबर को भी प्रमुखता से दिखाया है दैनिक जागरण ने ही जहां राहुल गांधी कल अमेठी के दौरे पर रहे और जिस तरह से पिछले चुनाव में अमेठी की जनता ने कांग्रेस पार्टी को एक नकार दिया था एक तरीके से तो दोबारा से उस जनता को खुश करने के लिए और दोबारा से उस जनता को साधने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी खुद पहुंचे थे अमेठी और इस दौरान उनकी तरफ से ये बात गई कि बेरोजगारी व महंगाई पर बात नहीं करते हैं नरेंद्र मोदी और तमाम अन्य अन्य बातें करते हैं हैं लेकिन जो मेन मुद्दे महंगाई का मुद्दा है है बेरोजगारी का मुद्दा है, उससे बचते नजर आते हैं तो इस बात को कोट किया है राहुल गांधी की और इसको प्रमुखता से हेडलाइन के रूप में लिया गया है दैनिक जागरण की तरफ से रुक करते हैं तीसरी बड़ी खबर का जहां अखिलेश के करीबियों के ठिकाने पर छापे तो कल आयकर विभाग की टीम जो है सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के कई करीबी हैं उनके घर पर छापेमारी हुई कई इनपुट्स कलेक्ट करने की कोशिश जो है लगातार की गई टीम की तरफ से और ये छापेमारी को देखते हुए अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है कि चुनाव नजदीक है इस वजह से इस तरह से आयकर विभाग का छापा पड़ा है क्योंकि पहले जब बैलेंस शीट और ये सब चीजें जमा कर दी गई थी तो उसके बाद आखिर क्या वजह रही जो आयकर विभाग अब इन बातों की पुष्टि करने के लिए आया है कि कुछ ना कुछ मामला है और इससे रिलेटेड इनपुट कलेक्ट करने अब क्यों आया है जब चुनाव नजदीक है तो ये सवाल भी खड़े हो रहे थे जब आयकर विभाग के टीम के छापे मारे जो अखिलेश यादव हैं उनके करीबियों पर पड़े तो तो ये तीसरी प्रमुख बड़ी खबर जो जो दैनिक जागरण ने प्रमुखता से प्रमुखता दिख, से दिखाई है तो ये तीन हमारी खबरें दैनिक जागरण से थी रुक कर लेते हैं चौथी हमारी खबर का जो कि हिंदुस्तान से है हिंदुस्तान ने इस खबर को प्रमुखता दी है जहां रोहड़ी कोर्ट धमाके में डीआरडीओ वैज्ञानिक गिरफ्तार तो ये बड़ी खबर क्योंकि जिस तरह से रोहिणी कोर्ट में बम धमाका हुआ उसके बाद प्रशासन पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे थे सुरक्षा पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर इस तरह से धमाका कैसे हो गया रोहिणी कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था पे कई बड़े सवाल खड़े हो रहे थे और अब आखिर यह मामला सुलझा है जहां बताया गया है कि डीआरडीओ के वैज्ञानिक जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है उन पर बड़े आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने ये बम धमाका कराया है दरअसल वो जज के पड़ोसी है और इसी के चलते वो लंबे समय से दोनों के बीच चल रहा था और इसी विवाद के चलते उन्होंने साजिश रची जिसके तहत वो बम कोट में बम धमाका करवाना चाहते थे लेकिन हालांकि राहत की बात ये रही कि जिस टाइम बम धमाका हुआ उस टाइम जज उस कुर्सी पर मौजूद नहीं थे तो यह बड़ी खबर जहां प्रमुखता दी गई है हिंदुस्तान की तरफ से इस खबर को कि रोहिणी कोट धमाके में डीआरडीओ के वैज्ञानिक को गिरफ्तार कर लिया गया है मामले में यह बड़ी कार्रवाई हुई है रुक करते हैं पांचवी अगली खबर यह भी हिंदुस्तान से है जहां ओमिक्रोन संक्रमण ने वैज्ञानिकों को उलझाया तो ओमिक्रोन जिस तरह से कोरोना का जो ये नया वेरिएंट सामने आया है उसको लेकर अलग अलग तरीके के स्टडीज चल रही है और तमाम लोग रिसर्चर्स जो हैं इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर वैज्ञानिकों की तरफ से शोध किया जा रहा है कि क्या इस वेरिएंट कैसा ये वेरिएंट है और कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है लोगों में किस तरह से काम करता है लोगों के शरीर पर किस तरह से असर डालता है और इन तमाम चीजों के बीच वैज्ञानिक जो है उलझे नजर आ रहे हैं क्योंकि एक तरफ जहां दक्षिण अफ्रीका में इसका कहर देखने को मिल रहा है प्रकोप देखने को मिल रहा है तो वहीं भारत में जो मामले सामने आ रहे हो उनमें ये अभी तक अध्ययन किया गया है कि काफी मामले ऐसे हैं जिनको घर पे ही ट्रीट कर दिया जा रहा है और सेल्फ आइसोलेशन में ही वो लोग सही हो रहे हैं उनको अस्पताल में भी एडमिट करने की जरूरत नहीं हो रही है तो ऐसे में ये उलझन जो है पैदा हो रही है वैज्ञानिकों के बीच आखिर ये वेरियंट जब जो, जो दक्षिण अफ्रीका में इतना प्रकोप मचा रहा है इतना खतरनाक है और उसके बाद जो भारत में एक वेरियंट है नाम दोनों के वही है वही सेम वेरियंट है लेकिन इतने अलग अलग प्रभाव क्यों है इसको लेकर उलझन है वैज्ञानिकों में जिसमें लगातार स्टडी चल रही है तो यह पांचवी खबर को हिंदुस्तान ने प्रमुखता दी है तो रुक करते हैं हमारी छठी अगली खबर का जहां इमरजेंसी ठप रहने से गंभीर मरीजों का बुरा हाल तो नीट पीजी जी की काउंसलिंग कराने की मांग जल्द से जल्द जो है हो रही है और जिसके चलते डॉक्टर्स जो है हड़ताल पे हैं और उसको लेकर एलएनजेपी का यह मामला जहां राजधानी के एलएनजेपी अस्पताल में शनिवार को अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करती रही महिला और इस वजह से इमरजेंसी सेवाएं जो है ठप नजर आई है क्योंकि लोग जो है मरीज जो है वो इंतजार करते रहे कि कब उनका ट्रीटमेंट होगा लेकिन लगातार डॉक्टर्स की तरफ से हड़ताल की जा रही है क्योंकि की नीच और पीजी की काउंसलिंग जल्द से जल्द कराने की मांग की जा रही है और इस वजह से इलाज जो है प्रभावित हो रहा है लोगों का तो इस खबर को प्रमुखता दी गई है तो वहीं सातवीं खबर हिंदुस्तान से कि पूर्वी लद्दाख में जरूरत पर सेना की तैनाती बढ़ाएंगे वायुसेना प्रमुख की तरफ से ये बात कही गई है क्योंकि अभी भी कुछ जो वार्टाएं हुई हैं चीन और भारत सरकार के बीच उसको लेकर कई ऐसी जगहों पे चीन पीछे हटा है लेकिन अभी भी स्थिति जो है गंभीर बनी हुई है और कई ऐसी जगह है जहां पर चीन अभी भी तैनात है तो उसको देखते हुए वायुसेना के प्रमुख ने यह बात कही है कि पूर्वी लद्दाख में जरूरत पर सेना की तैनाती और ज्यादा बढ़ाई जाएगी ताकि हर जो भी सिचुएशन हो उससे बखूबी भारत जो है लड़ सके उसके लिए ये बात कही गई है जिसको प्रमुखता दी है ने। तो ये थी हमारी सात बड़ी खबरें रुक कर लेते हैं हमारी आठवीं खबर का जो कि नव भारत टाइम्स से है तो नव भारत टाइम्स ने लिखा है दिल्ली में ओमिक्रोन के चार और सेंटर देश में 18 नए केस तो लगातार कोरोना का नया वेरिएंट है ओमिक्रोन वो अब भारत में दस्तक दे चुका है और धीरे धीरे इसके मामले जो हैं बढ़ते नजर आ रहे हैं और इसी के चलते ये अपडेट देने की कोशिश की है ना भारत टाइम्स ने जहां दिल्ली में ओमिक्रोन के चार और सेंटर हो गए हैं और इसी के साथ देश में 18 नए केस जो है ओमिक्रोन के सामने आए हैं तो इसी से समझा जा सकता है कि धीरे धीरे ही सही लेकिन ओमिक्रोन अपने दस्तक के साथ ही पैर पसार रहा है तो ये अपडेट थी तो वही नौवी खबर जहां गंगा एक्सप्रेसवे की नींव रखकर पीएम बोले यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कल शाहजहापुर में जब उन्होंने गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया आधारशिला रखी प्रधानमंत्री ने खुद और ये बड़ी सौगात सौंपी है तो इस दौरान प्रधानमंत्री की तरफ से तमाम अहम बड़ी बातें की गई विपक्ष पर हमला बोला गया और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्योंकि चुनाव नजदीक है और उसको देखते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना की और इस बात का जिक्र किया कि यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी तो इस लाइन को न भारत टाइम्स ने भी कोट किया है तो वहीं दसवीं और आखिरी खबर हमारी जहां समाजवादी पार्टी नेताओं की यहां आईटी टीम पहुंची तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबियों के घर जब आयकर विभाग की टीम पहुंची छापेमारी के लिए तो लगातार हड़कंप मच गया कई लोगों की तरफ से ये आरोप भी लगाए जहां खुद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह कहा कि अभी तो केवल इनकम विभाग आया है अभी ईडी आएगी सीबीआई आएगी और तमाम संस्थाएं आएंगी क्योंकि चुनाव नजदीक है तो कहीं ना कहीं ये बड़ा आरोप सरकार पर लगाया जा रहा है कि चुनाव नजदीक है इस वजह से ये संस्थाएं जो है इस तरह से छापेमारी कर रही है उनकी करीबियों के घर पर फिलहाल लगातार इनपुट जो है जुटाए जा रहे हैं और तमाम दस्तावेज खंगालने की, जो है की तरफ से की जा है। और इसी पर तो ये थी अलग अलग अखबारों से दस प्रमुख बड़ी खबरें जो आपको बताई आपका वक्त बचाते हुए कम समय में ज्यादा जानकारी पहुंचाने की कोशिश और इसी के साथ आज के अखबार में बस इतना ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए